हे गाइज, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम रियल प्रैक्टिकल टेस्ट करने वाले हैं पोको X3 वर्सेस रियलमी 7। पोको X3 में आपको स्नैपड्रैगन 732G गेमिंग पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो रियलमी 7 में आपको मेडटेक का G95 ए भी गेमिंग और पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो इन दोनों फ़ोन में आपस में टक्कर लगाएंगे और देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन यहाँ पे फास्ट निकल के आ जाता है। सो इस रियल प्रैक्टिकल टेस्ट में मैंने दो चीज़ें ऐड की है। एक, सबसे पहले रिवर्स चार्जिंग, तो देख लेते हैं कौन सा फ़ोन दूसरे फ़ोन को चार्ज कर पाता है कि नहीं पाता है। और सेकंड चीज़ कि इनका जो मेन स्पीकर है वो किसका लाउड है, ये भी हम चेक करेंगे। उसके अलावा इस रियल प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपके पास कोई रियल पॉइंट्स हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वही पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वाले रियल प्रैक्टिकल टेस्ट में ऐड करूंगा। और यार, ओनली 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं यार, जरूर कंप्लीट करना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहता है। और उसके साथ चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको कंपैरिजन वाली लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की वीडियो आपको अपने चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। सो गाइज, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि कौन सा फ़ोन एक्चुअली फास्ट निकल के आ जाता है। स्नैपड्रैगन 732G वर्सेस यहाँ पे मेडियाटेक हेलियो G95 होने वाला है। दोनों भी फ़ोन का जो ब्राइटनेस लेवल है ये मैंने फुल रखा है। उसके बाद आप कलर, टेम्परेचर, डिस्प्ले का देख सकते हो। सो पोको X3 में आपको 120Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो रियलमी 7 में आपको 90Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और इस स्पीड टेस्ट के दौरान मैं इसको इनेबल रखूँगा। उसके साथ दोनों भी फ़ोन में लेटेस्ट सिस्टम के अपडेट इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहला टेस्ट कर लेते हम रिवर्स चार्जिंग का और चेक कर लेते कौन सा फोन रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट कर लेता है। तो सबसे पहले रियलमी 7 से पोको X2 को चार्ज कर लेते। ना 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 ना, ये पोको X2 ही रियलमी 7 को चार्ज कर रहा है। सेकंड टाइम ट्राई कर लेते। तो यहाँ पे क्लियरली गाइज, रियलमी 7 रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। सो पोको X3 से ट्राई कर लेते। यस, पोको X3 से पोको X2 चार्ज हो रहा है। सो पोको X3 में आपको फेशियल रिवर्स चार्जिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। उसमें आप 1.8 एम्पीयर से अदर फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो पोको X3 रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट कर लेता है, रियलमी 7 रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो सेकंड टेस्ट कर लेते हैं हम। एक जिप फाइल को अनजिप करेंगे और देख लेते हैं कि सबसे पहला कौन सा फ़ोन जिप फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब अनजिप कर पाता है। 1 2 गो। तो यहाँ पे स्पीड देख सकते हो आप। तो मुझे लगता है कि रियलमी ही ख़त्म करेगा सबसे पहले। एग्जैक्टली, रियलमी 7 ने सबसे पहले इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है। उसके बाद जो फाइल एक्सट्रैक्ट किया था वो हम दूसरे फोल्डर में कॉपी करके देख लेते हैं कि कॉपिंग का स्पीड सबसे ज़्यादा किसका है। सो 1 2 और गो। और यहाँ पे रियलमी 7 ने सबसे पहले ख़त्म किया। सो अनजिप और कॉपिंग के स्पीड में रियलमी 7 जीत चुका है। उसके साथ एक वीडियो सेम लेंथ का सेम रिजोल्यूशन से हम एक्सपोर्ट करेंगे और देख लेते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन से सबसे पहले कौन वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाता है। सो 1 2 और गो। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और वीडियो एक्सपोर्टिंग में भी क्लियरली रियलमी 7 जीत चुका है। इसने सबसे पहले वीडियो को एक्सपोर्ट किया, मतलब फिनिश किया। उसके साथ दोनों भी फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। देख लेते हैं कौन सा फ़ोन सबसे फास्ट फ़ोन को अनलॉक कर पाता है फिंगरप्रिंट से। तो यहाँ पे क्लियरली रियलमी 7 फास्ट है एज़ कम्पेयर टू पोको X3। सो पोको X3 को सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू ये जो स्लो फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का जो बग है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो क्लियरली विनर है रियलमी 7 फिंगरप्रिंट से फ़ोन को अनलॉक करने में। और चेक कर लेते हैं किसका स्पीकर आपको लाउड ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रियलमी 7 में आपको बॉटम में सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा लाउड है। तो बीच में आप डीबी में देख सकते हो।
यहाँ पे डेफिनेटली पोको एक्स 3 का स्पीकर मुझे बेटर लगा। और दोनों भी फ़ोन में मैंने 4G प्लस ट्राई किया, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रियलमी 7 4G प्लस को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब नेटवर्क कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल बैंड्स को सपोर्ट नहीं करता है। और पोको एक्स 3 यहाँ पे 4G प्लस को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आपको ड्यूअल नेटवर्क मतलब ड्यूअल बैंड सपोर्ट भी पोको एक्स 3 में देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्लियरली रियलमी 7 4G प्लस को सपोर्ट नहीं करता है। उसके साथ हम कर लेते हैं सिस्टम ऐप ओपनिंग और देख लेते हैं कौन सा फ़ोन सबसे पहले फटाफट सिस्टम एप्लीकेशन ओपन करता है। फोन एपीके रियलमी 7 ने सबसे पहले ओपन किया, उसके साथ मैसेज एपीके 1, 2 और गो, तो ये भी रियलमी 7 ने सबसे पहले ओपन किया। उसके साथ सेटिंग 1, 2 गो, रियलमी 7 बहुत ज़्यादा क्विक है। उसके साथ गैलरी ऐप 1, 2 गो, रियलमी 7 फिर से, और उसके साथ कैमरा ऐप 1, 2 गो, और कैमरा ऐप पोको एक्स 3 ने ओपन किया है। तो एक ही ऐप सबसे फास्ट पोको एक्स 3 ने ओपन किया है, बाकी रियलमी 7 ने सबसे फास्ट ओपन किया। और बात करें सीपीयू फ्रीक्वेंसीज की, तो 2 कोर पोको एक्स 3 के पावरफुल है, तो 6 कोर रियलमी 7 के पावरफुल है। तो इसके बाद हम रियल टेस्ट कर लेते हैं गीक बेंच के साथ। हम यहाँ पे सीपीयू थ्रोलिंग टेस्ट भी करेंगे, और उससे तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो गीक बेंच स्कोर आ चुका है, तो सिंगल कोर यहाँ पे पोको एक्स 3 का ज़्यादा देखने को मिला, तो पोको एक्स 3 का कम देखने को मिला है, बट मल्टी स्कोर यहाँ पे पोको एक्स 3 का कम देखने को मिल रहा है और रियलमी 7 का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो सीपीयू फ्रीक्वेंसीज है वो थोड़े से पावरफुल है रियलमी 7 के, तो यहाँ पे स्कोर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है रियलमी 7 का। तो उसके साथ मेन टेस्ट करेंगे सीपीयू थ्रोलिंग का, और यहाँ पे हम सीपीयू को हाई फ्रीक्वेंसीज में चलाएंगे और देख लेते हैं कुछ टाइम के बाद कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है पहला फर्स्ट मिनट, और पहले फर्स्ट मिनट में ही पोको एक्स 3 ने अपना दम छोड़ दिया है, मतलब तोड़ दिया है, फटाफट इसका परफॉर्मेंस डाउन जाता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है। और वेल डन रियलमी, स्टार्टिंग से ही आपको रियलमी 7 का परफॉर्मेंस यहाँ पे कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा है। सो आफ्टर 5 मिनट देख लेते हैं, तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे देख सकते हो पोको एक्स 3 का जो परफॉर्मेंस है पूरा डाउन जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और वेल डन अगेन रियलमी कि 5 मिनट के बाद भी आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर होके भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम परफॉर्मेंस 150 पोको एक्स 3 में, तो 134 रियलमी 7 में, उसके साथ एवरेज परफॉर्मेंस 116 पोको एक्स 3 में, सो यहाँ पे 127 रियलमी में। और यहाँ पे मैं बात करूँ परफॉर्मेंस और ये सीपीयू थ्रोलिंग की, तो यहाँ पे क्लियरली विनर है रियलमी 7। उसके साथ एक 100 MB का एप्लीकेशन है, और वो इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले इंस्टॉल कर पाता है। सो 1, 2 और गो। तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल किया है रियलमी 7 ने। उसके साथ फाइनल टेस्ट कर लेते हैं सिस्टम में कौन सा फ़ोन सबसे पहले रिबूट करने के बाद बूट होता है, ये टेस्ट करेंगे। सो 1, 2 और गो। तो दोनों भी फ़ोन ऑफ हो चुके हैं। रियलमी का लोगो यहाँ पे आ चुका है, पोको का भी लोगो यहाँ पे आ चुका है, बट मुझे रियलमी थोड़ा आगे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले बूट हो चुका है रियलमी 7। ओ भाई साहब, सो यहाँ पे क्लियरली रियलमी 7 ने पोको एक्स 3 को इस बूटिंग टेस्ट में हराया है। तो यहाँ पे ओवरऑल इस स्पीड टेस्ट का मैं एक विनर चूज़ करूँ तो वो यहाँ पे 100% आपको भी पता है रियलमी 7 है। और पोको एक्स 3 को सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है, क्योंकि यार इसमें छोटे मोटे बग्स है जैसे कि फिंगरप्रिंट का स्लो होना वगैरह, ऐप ओपनिंग का स्पीड ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो उम्मीद करते हैं कि पोको एक्स 3 के लिए जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर का अपडेट आ जाए। सो गाइज, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि पोको एक्स 3 सच में स्लोअर है या ये सॉफ्टवेयर का इशू है। इन दोनों में से कौन सा फोन आपके पास है जरूर कमेंट करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।